तो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ड्रग्स क्या चीज है, ड्रग्स आप सुने हुए कि मेडिसिन जो दवाई होती है, कोई बीमारी होती है, इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयां ली जाती हैं, ड्रग्स उनको भी बोला जाता है वो, लेकिन उसका पर्पज होता है बीमारी को ठीक करना। लेकिन जब कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी सब्सटेंस हम ले रहे हैं जो कि है तो ड्रग्स ही, लेकिन वो किसी बीमारी के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, वो सिर्फ दूसरे पर्पज से, नशे के पर्पज से या आदतन लिया जा रहा है और शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि ड्रग है तो अपना काम करेगी ही, लेकिन वो ड्रग जो है वो किसी मेडिसिन के फॉर्म में नहीं ली जा रही है, वो फिर दूसरे पर्पज से ले जा रहा है, नशे के पर्पज से, हैबिट फॉर्मेशन है, तब उसका चीज को हम बोलेंगे कि ये ड्रग्स एब्यूज है। या फिर एल्कोहल अगर इसी तरह से यूज हो रहा है, एक्सेस यूज हो रहा है, तो फिर वो एल्कोहल एब्यूज कहलाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि नशा है, आदत पड़ गई है उस चीज की, हैबिट हो चुका है। तो इसके लिए यूथ के अंदर हमें क्या करना होगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन करना होगा, गाइडेंस करना होगा, और उनके हार्मफुल इफेक्ट को, उनके बिहेवियर को, जो डेंजरस बिहेवियर है, पैटर्न है उनको, और हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे मिल सकती है, इसके लिए हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है। तो अब हम लोग ड्रग्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो ड्रग्स जो मेनली यूज होती हैं, कॉमनली एब्यूज इसलिए बोलते हैं कि उनके कंजप्शन से हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, इसीलिए उसको ड्रग एब्यूज बोला जाता है। ऐसी चीज जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए, तो उसको हम लोग एब्यूज बोलते हैं। अब ड्रग्स में थ्री ग्रुप्स हैं यहाँ जनरली जो आप लोग को स्टडी करना है, ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकेन, ये थ्री ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज की जाती है ड्रग एब्यूज के लिए, जिसमें कि आपका ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन है। तो ओपियाइड्स के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ओपियाइड्स ड्रग्स वो हैं जो कि opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and GIT, gastrointestinal tract. तो हमारे बॉडी में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ opioid receptor होते हैं और GIT में कुछ opioid receptor होते हैं, उनको जो drugs bind कर लेती हैं उसको हम लोग बोलते हैं opioid receptor। तो बहुत सारे बॉडी में receptors होते हैं different type के, उनमें से जो ओपियाइड रिसेप्टर है उनको ये बाइंड करता है और अपना एक्शन करता है। तो इसमें जो सबसे कॉमन है ओपियाइड्स में वो कौन सा है, हेरोइन या स्मैक है, ठीक है। तो ओपियाइड्स में सबसे कॉमन क्या है, हेरोइन, हेरोइन जो पीते हैं वो, या इसको स्मैक बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है, ठीक है। तो हेरोइन जो है वो सबसे कॉमन ओपियाइड है जो कि जनरली आप देखे होंगे, सुने होंगे कि ये यूज किया जाता है। ये एक्चुअली केमिकली क्या है, डाइल एस्टिल मॉर्फिन, ये डाई एस्टिल मॉर्फिन है, विच इज ए वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। और ये मिलता कैसे है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन एक सब्सटेंस है जो कि कहां से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम या पॉपी प्लांट, पोस्त, जिसको हिंदी में पोस्त बोलते हैं, उसके लैटेक्स से मिल्क सिक्रीशन होता है। आप सुने होंगे एक पॉपी एक प्लांट होता है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, पॉपी या पेपेवर सोमनीफेरम, ये प्लांट है जिसको हिंदी में पोस्त बोलते हैं, और इसमें जब थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है तो इसमें चीरा लगाते हैं, है ना, चीरा इस तरह से, यहां पर मान लीजिए नीचे ऐसे इसके ऊपर, पर इसमें नेचुरली एक लेटेक्स सिक्रीट होता है और उस लेटेक्स से ही हमें जो मिलता है सब्सटेंस वो क्या होता है, मॉर्फिन होता है, ठीक है। इसके सब जो लेटेक्स होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है हम कह सकते हैं, उससे हमें मॉर्फिन मिलता है। उस मॉर्फिन को थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, एसिटाइलेशन करते हैं, तो डाई एस्टिल मॉर्फिन जो है वही आपका हेरोइन है, स्मैक है, ठीक है। मॉर्फिन आप सुने होंगे जनरली दवाओं में ये बहुत यूज किया जाता है, मॉर्फिन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, एक ओपियाइड एनाल्जेसिक सुने होंगे, जो बहुत सी दर्द निवारक दवाइयां हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, जिनको कोई ओपियाइड एनाल्जेसिक बोलते हैं, वो मॉर्फिन जो होती है वो दवा की तरह काम करती है। मॉर्फिन के इंजेक्शन भी आते हैं, मॉर्फिन की टैबलेट भी आती है, और
उसको दिया जाता है पेनकिलर की तरह से, लेकिन उसी को अगर थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए, डाई एस्टिल ग्रुप उसमें जोड़ दिया जाए, दो एस्टिल ग्रुप उसमें जोड़ दिए जा रहे हैं, तब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्मैक या हेरोइन, और फिर वो नशे के पर्पस में यूज किया जाता है। तो डाई एस्टिल मॉर्फिन इज अ स्मैक, ठीक है, तो उसको केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। और हेरोइन क्या है, डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये हमारे बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है, डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन करते जो हमारा एक नॉर्मल बॉडी का टेम्पो है, जो एक सिस्टम चल रहा है उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। इसीलिए देखे होंगे नशा करने वाले बिल्कुल सुस्त से पड़े रहते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। और इसको लेते कैसे हैं, स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, देखे होंगे नाक से सूंघ करके ऐसे खींच करके लेते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। तो जनरली ये जो हेरोइन है वो इस तरह से ली जाती है, हालांकि ये मैं जानकारी के लिए दे रहा हूं, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और एक केमिकल स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, वो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, इसी को एसिटिलाइड करके माने एस्टिल ग्रुप इसमें जोड़ करके बना दिया जाता है। तो आप ओपाइड के बारे में समझ गए होंगे कि ये किस प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम पोस्ट, है ना, इससे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है मिल्क का, और उसी मिल्क को फिर मॉडिफाई करके उसको बना दिया जाता है, क्या चीज, ओपोइड्स। ओपोइड्स में मेनली आपका स्मैक या हीरोइन आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैनाबिनॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स यहां पे आप देख रहे हैं, ये कैनाबिनॉइड्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैनाबिनॉइड्स क्या चीज है। तो एक प्लांट होता है कैनाबिस सेटाइवा, कैनाबिस सेटाइवा, या जिसको कि भांग का पौधा बोलते हैं, हिंदी में इसको भांग का पौधा बोलते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, इन्फ्लोरेसेंस आप समझ रहेंगे फ्लावर्स का ग्रुप जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें वही पार्ट यूज किया जाता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैनाबिनॉइड्स या यूज एज ए ड्रग एब्यूज, तो उसमें आपका ओपाइड के बारे में आप समझ गए होंगे, लैटेक्स सिक्रीशन जो होता है वो होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें उसका आप लोग इन्फ्लोरेसेंस पूरा यूज करते हैं। तो इस तरह से उस इन असल में अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें बनाई, ये कैनाबिस सेटाइवस एक ऐसा प्लांट है जिसके अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग फॉर्म में लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यहां पे जो कैनाबिनॉइड्स की हम बात कर रहे हैं उसमें इसका हम लोग इनफ्लोरेसेंस लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग करते क्या है कि फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड मतलब वही हमने बताया कि इसके अलावा फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना। अलग अलग पार्ट इसका जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से यूज होता है। एक जैसे कि अभी हमने बात किया फ्लावर टॉप्स आपका इन्फ्लोरेसेंस हो गया, इसके अलावा लीव्स और इसके रेजिन्स हो गए, ये सब मिला करके एक डिफरेंट टाइप में एक चीज बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैरिजुआना। मैरिजुआना आप सुने होंगे, आप सुने होंगे कि फॉरेन में ये अदर कंट्रीज में मैरिजुआना बहुत यूज होता है, बहुत से कंट्रीज है। हमारे यहाँ मैरिजुआना कम यूज होता है, हमारे यहाँ डायरेक्टली भांग वगैरह डायरेक्टली यूज होती है, लीव्स वगैरह इसकी इन्फ्लोरेसेंस यूज होता है। मैरिजुआना एक अलग टाइप का कम्बिनेशन है। इसके अलावा हसीस चरस एंड गाजा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, चरस एंड गाजा, ठीक है। कहने का मतलब कि जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्मेशन हैं, उनको चरस गांजा इसके अलावा हसीस ये सब मैरिजुआना ये सब डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट का अलग अलग रेशियो लेकर के, उसी को हम लोग बोलते हैं चरस गांजा हसीस और मैरिजुआना। और ये जनरली इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन मुंह से खाए जाते हैं, या फिर इनहेलेशन खींचते हैं नाक से खींचते हैं इनको सूंघते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो कहाँ आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ आता है, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, समझ रहे होंगे, हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है।
तो थर्ड सब्सटेंस इसमें जिस जो हम लोग ड्रग अब्यूज में यूज किया जाता है कॉमनली, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है कोका एल्कलॉइड या कोकेन, जो कि प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेंड होता है, उससे मिलता है। और ये नेटिव कहाँ का है, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है। और इसका फंक्शन कहाँ पे होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन, जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम में डोपामिन सिक्रीट होता है टोनर्स के बीच में नर्व कंडक्शन के लिए, उसको ये उसके साथ ये इंटरफियर करता है। और इसका एक्शन कैसा होता है, ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये का स्टिमुलेंट है, पोटेंट स्टिमुलेंट है। और इससे प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, एक इससे यूफोरिया का मतलब एक भ्रम जैसा, मायाजाल जैसा बिल्कुल अलग सा महसूस होने लगता है। और कुछ पर्सन जो इसको लेता है वो एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करता है। इसके अलावा मतलब एक एक सेंस ऑफ वेल बीइंग जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक भ्रम या कह सकते हैं हेलुसिनेशन कह सकते हैं उसको हम लोग, कि जो है नहीं लेकिन महसूस हो रहा है, बेटर फीलिंग हो रही है उसमें, इसीलिए इसका इन सब्सटेंस का ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एक्सेसिव ड्रग या एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन काज हेलुसिनेशन, वही बताया ना, हेलुसिनेशन का मतलब एकदम बिल्कुल आप बिल्कुल दुनिया से कटे हुए बिल्कुल अलग सा प्रतीत होता है ना, कुछ ना अच्छा कोई चीज लग रहा है ना खराब लग रहा है बिल्कुल। तो और कुछ प्लांट हैं जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना है और धतूरा है, ये सब के अंदर भी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आजकल कैनाबिनाइड्स जो है स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो हेलुसिनेशन या एक बिल्कुल अलग सा फीलिंग होता है उसमें, वेल फीलिंग होगी इस तरह से को जो हम प्रतीत होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसके अलावा बारबिट्यूरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडायजापिन्स, एलएसडी या लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड्स, इसको शॉर्ट में एलएसडी बोलते हैं, और कुछ ड्रग हैं, तो वो ये जो होता है यूज की जाती हैं किस लिए, पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन और इंसोम्निया। तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जैसे जो अभी हमने नाम बताया, एम्फिटामिन, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन का मतलब डाइजेपाम वगैरह आपका बारबिट्यूरेट्स हो गया, एल्प्राजोलाम जो है वो बेंजोडाइजेपिन है आपकी, एल्प्राक्स एल्प्राजोलाम आप जानते होंगे। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं जो यूज की जाती हैं डिफरेंट डिजीज के लिए, पेशेंट जो मेंटल इलनेस और डिप्रेशन इंसोम्निया से जिन जो कि पीड़ित हैं जो बीमार हैं उनके लिए यूज की जाती है। लेकिन इसको भी बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीद करके ड्रग एब्यूज के फॉर्म में यूज करते हैं, उनको जरूरत नहीं, वो नशे के लिए यूज करते हैं। आप बहुत सुने होंगे लोग, बहुत लोग मार्केट से एल्प्राक्स खरीद के खाते रहते हैं अपने मन से, या फिर डाइजेपाम या इस तरह के इंजेक्शन, या कुछ लोग एविल आजकल यूज कर रहे हैं उससे भी थोड़ा सा नशा होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं जो होती तो हैं मेडिसिनल यूज के लिए, मगर नशे करने वाले लोग उसको मार्केट से खरीद करके यूज करते हैं। मॉर्फिन में के बारे में जैसा हमने बताया कि वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है, बहुत सी दवाइयां हैं जैसे कि ट्रामाडोल वगैरह आता है वो मॉर्फिन होते हैं या मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं भी आते हैं बहुत सारे, तो वो यूज किए जाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में, है ना, तो हल्का फुल्का सर्जरी है तो वही इंजेक्शन लगा करके और यूज हल्की सर्जरी कर दी जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता है, पूरा एनेस्थीसियाइड नहीं किया जाता है पेशेंट को। तो इस तरह से बहुत सारे इसके मेडिसिनल यूज हैं, जहाँ पे जहाँ वाकई पेशेंट को ज़रूरत है वहाँ दी जाती है, लेकिन उसको लोग ड्रग अब्यूज के फॉर्म में भी यूज करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो और कुछ प्लांट हैं जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना है और धतूरा है, ये सब के अंदर भी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आजकल कैनाबिनाइड्स जो है स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो हेलुसिनेशन या एक बिल्कुल अलग सा फीलिंग होता है उसमें, वेल फीलिंग होगी इस तरह से को जो हम प्रतीत होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसके अलावा बारबिट्यूरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडायजेपिन्स, एलएसडी या लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड्स, इसको शॉर्ट में एलएसडी बोलते हैं, और कुछ ड्रग हैं, तो वो ये जो होता है यूज की जाती हैं किस लिए, पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन और इंसोम्निया। तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जैसे जो अभी हमने नाम बताया, एम्फिटामिन, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन का मतलब डाइजेपाम वगैरह आपका बारबिट्यूरेट्स हो गया,
एल्प्राजोलाम जो है वो बेंजोडाइजापिन है आपकी, एल्प्राजोलाम आप जानते होंगे। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं जो यूज की जाती हैं डिफरेंट डिजीज के लिए, पेशेंट जो मेंटल इलनेस और डिप्रेशन इंसोमनिया से जिन जो कि पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए यूज की जाती है। लेकिन इसको भी बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीद करके ड्रग एब्यूज के फॉर्म में यूज करते हैं, उनको जरूरत नहीं, वो नशे के लिए यूज करते हैं। आप बहुत सुने होंगे लोग, बहुत लोग मार्केट से एल्प्राक्स खरीद के खाते रहते हैं अपने मन से, या फिर डाइजेपाम या इस तरह के इंजेक्शन, या कुछ लोग एविल आजकल यूज कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा नशा होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं जो होती तो हैं मेडिसिनल यूज के लिए, मगर नशे करने वाले लोग उसको मार्केट से खरीद करके यूज करते हैं। मॉर्फिन में के बारे में जैसा हमने बताया कि वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है। बहुत सी दवाइयां हैं जैसे कि ट्रामाडोल वगैरह आता है, वो मॉर्फिन होते हैं, या मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं भी आते हैं बहुत सारे, तो वो यूज किए जाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में, है ना। तो हल्का फुल्का सर्जरी है तो वही इंजेक्शन लगा करके और यूज हल्की सर्जरी कर दी जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता है, पूरा एनेस्थीसियाइज नहीं किया जाता है पेशेंट को। तो इस तरह से बहुत सारे इसके मेडिसिनल यूज हैं, जहाँ पे जहाँ वाकई पेशेंट को ज़रूरत है वहाँ दी जाती है, लेकिन उसको लोग ड्रग एब्यूज के फॉर्म में भी यूज करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए।